गोंदिया के फुली शाहू बिरसा परियार अंबेडकर विचार मंच द्वारा राज्य श्री शाहू महाराज सार्वजनिक सामाजिक जयंती समारोह रजी गांव में हजारों जन समुदाय के बीच संपन्न हुआ। राज्य श्री शाहू महाराज सार्वजनिक सामाजिक जयंती समारोह रजी गांव में हजारों जन समुदाय के बीच संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता धनंजय वंजारी, आयुक्त आयकर नागपुर ने की। प्रमुख अतिथि एडवोकेट सीमा कुशवाहा, नई दिल्ली एडवोकेट, स्वयं दिल्ली, शुद्धोधन कामरे, जिला उपनिबंधक सविता बेदरकर, सावन कटरे, डॉक्टर सुप्रिया बोरकर, महेंद्र गजबिये, संतोष डोंगरे, अनिल वट्टी, प्रकाश ब्रह्मणकर, विनायक खैरी आदि प्रमुखता से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रमुख वक्ता एडवोकेट कुशवाहा ने अपने ओजस्वी भाषण में शिक्षा तथा एकता को महत्व देकर सभी समाज एकजुटता को महत्व बताकर बाबा साहेब के कार्यों को उत्कृष्ट बताया। उसी प्रकार धनंजय वंजारी ने भी युवाओं के सामने आकर शिक्षा से आगे आकर आज ताकत दिखाने की बात कहकर आगे की लड़ाई हेतु शिक्षित होकर मिशन आगे बढ़ाए। उसी प्रकार सविता बेदरकर तथा उप शिक्षण अधिकारी महेंद्र गजबिये ने भी संबोधित किया। जाम्बी का आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा, अतिथियों का सत्कार भी किया गया। संचालन तेजराम मिश्राम, सहायक पुलिस निरीक्षक मुंबई ने किया। समारोह के सफलतार्थ कमेटी के पदाधिकारी तथा सदस्य ने अथक प्रयास किए। राजर्षी शाहू महाराजांच्या विजय असो, विजय असो, विजय असो। मा सावित्रीबाई फुलेंच्या कांड जो है तो वो भी वो लगने वाले निशुल्क। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि दीदी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि उनका कल नागपुर से आते थे, मैंने उनसे काफी बातें की, तो मैंने कहा मैडम आपका जो इतना बड़ा नाम है तो आपको कोई भी पार्टी राज्यसभा मेंबर कभी भी बना देगी। तो दीदी ने कहा वो तो बहुत बार ऑफर आए, लेकिन उससे मुझे मिलेगा, समाज को क्या मिलेगा? मुझे तो समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए मरना है, जीना है। तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे दीदी को, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बात सुने। धन्यवाद। और इस गोंदिया की धरती के रजे गांव से मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे भारत की अखंडता एकमात्र कारण से बची हुई है, वो है भारत का संविधान, और जिसको लिखा है एक ऐसे बेटे ने जिस बेटे को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे खून में, हमारे पूर्वजों के विचारों में, हमारे पूर्वजों के व्यवहार में मानवतावाद की बात झलकती है, उनके कामों में मानवतावाद झलकता है, उनकी किताबों की लेखनी में समतामूलक समाज की बात झलकती है। लेकिन नागपुर से संचालित होने वाली किसी पत्रिका आज तक समतामूलक समाज की बात नहीं कर रही है। वो बात किस बात की कर रही है? उस बात की बात कर रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है, और उस राष्ट्रवाद में इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो कि बहुजनों की आबादी है, जो कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, माइनॉरिटी, महिलाओं की आबादी है, उनके हक अधिकार की बात नहीं है, तो फिर ये कैसा राष्ट्रवाद है? का जुगाड़ वो लोग कर ले अपने दिनचर्या में, क्योंकि हम लोगों को तो वो भी नसीब नहीं था, और हम बाप बखूबी जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने पानी भी संघर्ष करके पिया है, लड़ाई करके पी है। तो हम लोगों ने इस देश के अंदर नौकरियां, इस देश के अंदर संपदा, जो आज घर पे हमारे संपत्ति है, जो हमने कपड़े पहने हैं, सब हमने छीना है, सब हमें किसी ने दिया नहीं है। ये तथाकथित विद्वान जो आज हमारे इस हक को, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आरक्षण के रूप में दे गए, तो जो तथाकथित भिकमंगे इसे भीख बताते हैं, तो वो चिढ़ते हैं, चिढ़ते वो किलसते हैं हम लोगों की तरक्की देख के, वो किलसते हैं हमारे हंसते हुए चेहरों को देख के, वो किलसते हैं हमारे बच्चों को जो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन रहे हैं आज की डेट में, वो किलसते हैं माननीय एडवोकेट साहिबा को देख के कि कैसे 7 साल के अंदर 4-4 लोगों को इतिहास बना दिया, फांसी पर चढ़वा दिया, जो हत्यारे थे, और जिसके सामने ऑक्सफोर्ड से, कैलिफोर्निया से, लंदन से बड़े बड़े
जो लो स्कूल है वहां से पढ़ के मैम के सामने अधिवक्ता आए थे, सबको उड़ा दिया, तथाकथित विद्वानों की मेरिट को उड़ा दिया और उनको चारों को फांसी पर टंगवा दिया। तो वो लोग इस चीज से खिलस गए। सतीश पाधी की रिपोर्ट।